स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं थर्ड एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन चैप्टर का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव ए माइनस फाइव अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइव टर्म्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कितने टर्म्स है ये, फाइव टर्म्स है, राइट। अगर मैं फाइव टर्म्स की बात करूं, जब भी आपके पास फाइव टर्म्स होंगे आप क्या करोगे, वैसे तो हमारे पास तीन मेथड है फाइव टर्म्स के लिए, तीन अलग अलग मेथड है। जनरली आप पहले मेथड में क्या करोगे, थ्री टर्म्स की और टू टर्म्स की ग्रुपिंग करोगे, सेकंड मेथड में भी आप थ्री टर्म्स की और टू टर्म्स की ग्रुपिंग करोगे, और जो थर्ड मेथड है उसमें आप एक टर्म को ब्रेक करोगे। वो कब ब्रेक करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, याद रखिएगा फाइव टर्म्स। अब मुझे कैसे थ्री टर्म्स और टू टर्म्स को ब्रेक करना है, ये थ्री टर्म्स मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये थ्री टर्म्स मिलकर क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और वी कैन से अगर मेरे पास दो परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर है, फाइव टर्म्स में दो परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो मैं तीन की ग्रुपिंग और दो की ग्रुपिंग करूंगा, जो दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो किसी एक तीसरे टर्म के साथ मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। चलिए चेक करते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास। अब ये दोनों किसी एक टर्म के साथ मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और ये बहुत कॉमन टर्म है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है इसको मैथ्स में। ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। क्या लिखेंगे इसको, ये किसका स्क्वायर है, ए का, ये किसका स्क्वायर है, वन अपॉन ए का, और साइन क्या आएगा, थर्ड वाले टर्म का साइन आएगा, क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। क्लास में मैंने बहुत बार इसको बताया है, होल स्क्वायर हो गया। बाकी के नेक्स्ट टू टर्म में से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, माइनस दोनों में फाइव, दोनों में माइनस फाइव कॉमन आ गया, क्या बचेगा ए, यहां से आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, प्लस वन अपॉन ए। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कॉमन लेना आपको अभी तक आ गया होगा, ठीक है। फाइव टर्म्स की फॉर्म को आपको समझना है, फाइव टर्म्स होंगे तो हम ब्रेक करेंगे किसमें, थ्री टर्म्स टू टर्म्स में, कब, जब दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब फर्दर कितने टर्म्स हो गए, ये दो टर्म हो गए, जब भी दो टर्म होंगे तो हमें चेक करना है फॉर्म क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया क्या, ए प्लस वन अपॉन ए, ए प्लस वन अपॉन ए, इधर क्या बचा, ए प्लस वन अपॉन ए बचा, क्योंकि होल स्क्वायर था, दो टर्म थे, एक टर्म कॉमन आ गया, एक टर्म बचा, साथ में इस टर्म में से ए प्लस वन अपॉन ए कॉमन आ गया, क्या बचा, फाइव बचा। आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा फाइव टर्म्स में, याद रखिएगा फाइव टर्म्स में हम क्या करेंगे, थ्री टर्म्स की टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। एक मेथड है जहां पर हम सिक्स एक टर्म को स्प्लिट करेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं, अभी याद रखिएगा फाइव टर्म्स में थ्री टर्म्स की और टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, जो दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो तीसरे किसी एक टर्म के साथ क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा, और वो तीसरा टर्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना है। बाकी के दो टर्म ग्रुपिंग बनाएंगे, उसमें से आपको कॉमन लेना है, और फर्दर फिर दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, वहीं पर आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।